दीजिए चौगान स्टेडियम जयपुर टॉस होने जा रहा है। निर्णायक के रूप में मोर मुकुंद जी यादव और ओम प्रकाश जी जांगीर, देखते हैं आखिर सिक्का किसकी झोली में जाएगा। सिक्का उछाल दिया गया है, हेड इज द कॉल और यहां पे गाजियाबाद ने टॉस जीता है। टॉस भी जीता गाजियाबाद, चॉइस कोर्ट लीजिए। माया टीम के कप्तान चली ही पहली राइड के ऊपर, जयपुर की टीम चौगान स्टेडियम की टीम तो बहुत शानदार प्रयास, पहला ही राइड है। झपट्टा मारते हुए पॉइंट शायद मिलना चाहिए, जी हाँ, दो नंबर की जर्सी में और बोनस के साथ कुल मिलाकर दो पॉइंट। अच्छी शुरुआत चौगान जयपुर टीम के कप्तान माया ने अच्छी शुरुआत दिलाई है, देखते हैं कितना फायदा उठा पाता है जयपुर। माया को निशाना बनाने की कोशिश लेकिन इतना आसान नहीं। परमिला पहली रन लेकर गई थी, प्रियंका माफ कीजिए गाजियाबाद की ओर से पहला रन और यहां पे शानदार ब्लॉक किया है कैच बेहतरीन। खाता खोलता हुआ गाजियाबाद इस वक्त एक पॉइंट के साथ, छह नंबर जर्सी में गाजियाबाद आगे बढ़ता हुआ रेड लेकर। चौगान स्टेडियम जयपुर की अच्छी मजबूत टीम नजर आ रही है जिसमें वसुंधरा और अनु चौधरी भी मौजूद, इसके अलावा माया टीम के कप्तान भी हैं। रेड वसुंधरा चली है रेड पे, पहला ही रेड उनका जो नागौर से बिलोंग करते हैं, सुपरस्टार नागौर जिले से। बोनस का प्रयास लेकिन मुश्किल है, टीमें काफी ज्यादा है। प्रियंका एक बार फिर दूसरा रेड उनका, ये बोनस का अच्छा ट्राई। चौगान स्टेडियम जयपुर एक अकेडमी की टीम और संतुलित नजर आ रही है टीमें, उसके सामने आसान नहीं होगा गाजियाबाद के लिए जीत दर्ज करना, लेकिन खेल कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल, देखते हैं आखिर। पहले मैच में बेहद रोमांचक जो मुकाबला देखने को मिला उसमें हिसार ने मदीना बी को हराया एक पॉइंट के मामूली अंतर से, बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। जबकि दूसरा मैच पचलंगी जिला झुंझुनू राजस्थान में और यहां पे शानदार कार्य किया है माया ने, पुश करते हुए बाहर तक खेल दिया। जयपुर बढ़त पे वसुंधरा दो डायरेक्ट लेकर, लेकिन छलांग लंबी है, सुपर रेड होगी, तीन पॉइंट यहां पे वसुंधरा, सुंदर रेड लेकर आगे बढ़ी और पहला सुपर रेड इस मैच का जयपुर का जलवा। जयपुर जंबो इस समय गाजियाबाद गजब के सामने, गाजियाबाद एक भी रुका हुआ जबकि छह स्कोर बना चुका है जयपुर जंबो। शायद यहां परिवर्तन के तौर पे आई है बराडर नौ नंबर जर्सी में, देखते हैं आखिर कैसा मुजाहिरा। तीन का डिफेंस यानी कि सुपर टेकल और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया है, यहाँ पे मुश्किल होगा सुपर टेकल, इसलिए दो पॉइंट जाएंगे गाजियाबाद के अंगना में। यह है खूबसूरती सुपर टेकल की, हालांकि एक बार ऐसा लगा शायद कपड़ों को पकड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं, समय रहते संभाल अपने आप को। वर्तमान स्कोर की बात करें तो जयपुर का स्कोर 6 और गाजियाबाद का स्कोर 3, तीन के मुकाबले 6 यानी कि दुगना स्कोर जयपुर का इस वक्त। चौगान स्टेडियम जो कि एकेडमी की टीम बेहतरीन और यहां पे एक और पॉइंट जोड़ दीजिए गाजियाबाद की टीम ने, गजब वसुंधरा सुपर रेडर चौगान का स्कोर 6 इस मैच की, जो कि तीन पॉइंटर जीत के थे, यहाँ चकमा दिया है। यह है वसुंधरा की खूबसूरती, छलांग जिस तरह से लगाते हैं पता ही नहीं चलता डिफेंडर को। एक और जीत किया चौगान स्टेडियम जयपुर की टीम ने, चौगान के सामने चौकन में रहना होगा गाजियाबाद को। एआरजी वर्सेस हनुमानगढ़ और तेलंगा ए वर्सेस जींद ए, तेलंगा बी और मदीना ए। पांच नंबर जर्सी में देखिए करण, इतना आसान नहीं चौगान के सामने पॉइंट अर्जित करना, विदाउट पॉइंट ही वापस लौटी और वसुंधरा फिर से रेड पे है। ये है सुपरस्टार चौगान स्टेडियम जयपुर की,
जो कि ग्रामीण ओलंपिक में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। नागौर की टीम का जो सफर रहा था उसमें वसुंधरा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल देखने को मिला था। और यहाँ पे फिर से चकमा दिया है वसुंधरा बेहतरीन फॉर्म में। जयपुर की टीम ने, जयपुर की टीम लगातार अपने स्कोर को बढ़ाती हुई रेड पे। गुलाबी नगरी पिंक सिटी और गाजियाबाद का स्कोर पूरी रंगत में नजर आ रहा है इस वक्त। दोनों महानगरों बस लगी झुंझुनू में और यहां पे कैच किया हारे वाह, शानदार टेकल यहां पे। वसुंधरा ही टीम के कप्तान माया ने कुछ गाइडेंस, सुपर टेकल दो का डिफेंस और यहाँ पे लीजिए चौका जड़ दिया है ऑल आउट इसी के साथ। करीब 5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया है जयपुर ने गाजियाबाद को। जबरदस्त रन में जयपुर और जयपुर चौगान का स्कोर 13-4 का स्कोर, 4-13 है जयपुर, यानी 9 अंकों की बड़ी लीड। और अब दबाव में दिखता हुआ और यहाँ देखिए शानदार ब्लॉक क्या है, 1 पॉइंट फिर से लीजिए जयपुर की झोली में। इसी के साथ टाइम आउट लिया है गाजियाबाद ने अंडर प्रेशर। सोनू कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस कबड्डी को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी हमारे बीच में 10 की संख्या आप देख सकते हैं, काफी संख्या में और नारी शक्ति महिलाएं भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट का आनंद उठाने के लिए। नौ नंबर जर्सी में जयपुर की बेहतरीन रेडर ऊंचा लंबा कद, पहला ही रेड है उनका संभवतः इस मैच में। अभिनंदन करती है, आग्रह करती है कि आप स्थान ग्रहण करें। बोनस के साथ और रितु चली है इस वक्त, रितु गाजियाबाद की ओर से। टीम अंडर प्रेशर है इसलिए अग्रेसिव खेल दिखाने की जरूरत, तालमेल अच्छा चाहिए तभी आप चौगान स्टेडियम के रेडर का सामना कर पाएंगे, क्योंकि बेहतरीन रेडर हैं और कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल यहां पे अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश, जो कि गोदारा जी हैं कोच प्रशिक्षण देते हैं चौगान स्टेडियम जयपुर की टीम को, और उसी का लाभ मिलता हुआ इस समय जयपुर। अगला मैच जो होगा हनुमानगढ़ और एआरजी, बड़ा मैच। और गाजियाबाद वर्सेस खामोश कदमों से वापस लौटी प्रियंका और फिर से लीजिए वही रेड। अब तक के मैच की बात करें, हमारे पास मौसम खराब है, कैच किया है अब छोड़ने वाला नहीं, ढेर किया है 1 पॉइंट जरूर काफी देर से। इसी के साथ टाइम आउट, थर्ड रेड लेकर चले हैं करण। गाजियाबाद की तरफ से इस समय डिसाइड रेड करो, हमारे दोस्त की इस समय पैदा हो जो उड़ाई पक्ष में, जब पूरा अच्छी स्थिति में पॉइंट को वापस नहीं आ सकते। पहले आपका खेल करीब 8 मिनट का खेल, टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें जयपुर मजबूत। सोहन जी गोदारा जो कि कोच हैं प्रशिक्षण देते हैं चौगान स्टेडियम जयपुर में, और यहां पे बेहतरीन कैच किया है जयपुर ने। लीजिए गुलाबी नगरी के नगर में एक और अंक, स्टेडियम का स्कोर 16 स्कोर जहां पहुंचा इसी के साथ, जबकि गाजियाबाद 5 में रुका हुआ, यानी 11 अंकों की बड़ी बढ़त। और यहाँ पे देखे कैच के आ रहे हुआ, बहुत ही शानदार टेकल, एक बार लगा लक्ष्य तक पहुंच रही है, लेकिन ये पॉइंट तो जयपुर के जबड़े से छीन लिया गाजियाबाद ने। और अब करण फिर से वही 5 नंबर जर्सी में, पॉइंट चाहिए तभी वापस आ सकता है मैच में गाजियाबाद, क्योंकि पहला हाफ का खेल समाप्ति के बिल्कुल करीब है, लगभग 9 मिनट का खेल हो चुका है। टीम के कप्तान माया ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी 2 पॉइंट के साथ जयपुर को, और उसके बाद जयपुर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वसुंधरा की सुपर रेड और यहां पे एक और बेहतरीन रेड लीजिए, दाएं कॉर्नर पे टारगेट बनाने की कोशिश, और यहां लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, 4 पॉइंट, बहुत ही शानदार रेड है यह वसुंधरा। किन शब्दों में तारीफ करें वसुंधरा की, जो नागौर से बिलोंग करते हैं।
दबाव में इस समय गाजियाबाद। और यहां लक्ष्य तक पहुंच गई। एक पॉइंट गाजियाबाद को जरूर मिला है। टीम की कप्तान लीजिए मध्यांतर का समय इसी के साथ। नागौर का स्कोर है इस समय 20, माफ कीजिए चौगान स्टेडियम जयपुर का स्कोर 20, जबकि गाजियाबाद 7 में रुका हुआ। जयपुर खुश होगा यहां पे काफी प्रसन्न नजर आते हुए चौगान स्टेडियम जयपुर के स्टार लीजिए। सेकंड हाफ की पहली रेड गाजियाबाद की तरफ से। नेक्स्ट मैच के लिए एआरजी वर्सेस हनुमानगढ़, दोनों टीमें तैयार हो जाए। कॉर्नर पे लक्ष्य बनाया गाजियाबाद को पहला पॉइंट दूसरे हाफ की पहली रेड पे। और अनु चौधरी इस वक्त रेड पे। और जयपुर की टीम इस मैच में पहला रन है अनु का इस मैच में। सोहन जी गोदारा जरूर खुश हो गए देख पा रहे हैं ये मैच, क्योंकि उन्हीं की गुरु दक्षिणा से टीम यहाँ खेलने आई है। जो प्रशिक्षण देते हैं चौगान स्टेडियम जयपुर में इस टीम को, और टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया अभी तक जो मैच खेला उसमें। अच्छी स्थिति में बड़ी बढ़त चौगान जयपुर के पास। और यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार निकल माया टीम के कप्तान, मजबूती से थाम लिया चीते की तरह छलांग लगाते हुए। और अब जयपुर की तरफ से रेड, चार खिलाड़ियों का डिफेंस, चार का डिफेंस नौ नंबर जर्सी में। रेड पर युवा स्टार विदाउट पॉइंट ही वापस लौटी। और अब देखिए नौ नंबर जर्सी में फिर से दाएं कॉर्नर पे, लेकिन इस बार माया है, आसान नहीं होगा। और यहाँ गलती की है रोकने की कोशिश, मगर शानदार मुजाहिरा गाजियाबाद की ओर से। वसुंधरा चली है रेड पे, डोर डाई रेड वसुंधरा, आसानी से बाज नहीं आती। पांच का डिफेंस पॉइंट हर हाल में चाहिए, नहीं तो रेड वैसे हाउस माना जाएगा। और यहाँ छोड़ने वाला नहीं गाजियाबाद, थाम लिया मजबूती से। शायद पहली बार वसुंधरा पकड़ी गई, दो डायरेक्ट था और शायद उसका दबाव। स्कोर की बात करें 10-21, ढाई अंकों में पहुंचता हुआ गाजियाबाद। जयपुर के पक्ष में इस समय स्कोर है 21 पॉइंट, 11 से बढ़त अभी भी बरकरार। पॉइंट यहां पे शानदार टच किया टीम की कप्तान के ऊपर दारोमदार। इस समय आगे बढ़ती भी लीजिए, पॉइंट चाहिए नहीं तो दबाव बढ़ता चला जाएगा फिर। और यहाँ लीजिए प्रियंका को बाहर भेजा है, बहुत ही शानदार। कप्तान ने ये पॉइंट दिलाया है क्योंकि टीम की रीड मानी जाता है कप्तान चाहे किसी भी खेल में हो। टाइम आउट के बाद फिर से खेल स्टार्ट। जयपुर को थोड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि पिछले कुछ समय जो गलतियाँ की हैं उससे बचने की ज़रूरत है। एक वक्त स्कोर था 7 के मुकाबले 20, यानी 13 अंकों की लीड थी, लेकिन उस बढ़त को कम करता हुआ गाजियाबाद यहां पे कैच किया है। अच्छा टेकल और शानदार डिफेंस यहां पे लीजिए जयपुर की झोली में ये पॉइंट। अनु चौधरी रेड पे, कुछ मंत्रणा कप्तान के साथ और देखते किस प्रकार का रुख रहता है चौधरी का। भगवान भास्कर सेट होते हुए और यहाँ घेर लिया चारों दिशाओं से, अपने जाल में फंसे, ज़्यादा आगे चले गई थी गाजियाबाद भी कम नहीं। वापसी के लिए भरपूर प्रयास करता हुआ 10 नंबर जर्सी में युवा स्टार उसका। गाजियाबाद का स्कोर 12, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट जयपुर को फिर से। ये तालमेल कमाल का है जयपुर का। सभी खिलाड़ियों को विजेता और उपविजेता के जो चमचमाती ट्रॉफी आपके बीच में टीम की कप्तान माया फिर से रेड पे को दिए जाएंगे। पांच का डिफेंस एमर्जिंग एरा स्कूल उनके डायरेक्टर प्रवीण जी बसरा उनके सौजन्य से सभी खिलाड़ियों को ये ट्रॉफियां दी जाएंगी। जोरदार ताली उनके लिए एक बार। माया कहीं धूप कहीं छाया इस वक्त पूरे मैदान पे छाव ही नजर आ रही है, लेकिन जयपुर की चमक जो है वो बरकरार इस मैच में अभी तक। और यदि
बढ़त को बरकरार रखते तो जीत लगभग तय है उनकी, क्योंकि दूसरे हाफ का करीब 4.5 मिनट का खेल हो चुका है। इसलिए जो भी खेल आगे बढ़ेगा मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी गाजियाबाद की। दबाव में ये देखे अक्सर गलतियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या अगला रेड वसुंधरा का होगा। माया टीम की कप्तानी आगे बढ़ रही है एक बार फिर, अच्छी शुरुआत दिलाई थी आज टीम को 2 पॉइंट के साथ। उसके बाद जयपुर बढ़त बताना बनाते हुए आगे बढ़ चला। आखिरी 5 मिनट शेष इस मैच में, 5 मिनट का खेल और यहाँ पे लंबी उड़ान भरी और सीधे जयपुर में लैंड हो गई। टीम के कप्तान 1 पॉइंट और बेहतरीन मुजाहिरा प्रियंका रेड पे हैं गाजियाबाद के लिए। लेकिन जयपुर जबरदस्त, और ये फिर से देखिए शानदार कैच से यहाँ पे रेड आउट। वसुंधरा चली है रेड पे सही वक्त पे, क्योंकि सुपर टेकल ऑन है 3 का डिफेंस। यहाँ टच पॉइंट मिला है, जी हाँ, 1 पॉइंट के साथ लीजिए। अब खतरा फिर से मंडराने लगा है गाजियाबाद के ऊपर, और यहाँ यदि ऑल आउट करता है तो फिर नामुमकिन होगा गाजियाबाद के लिए वापस मैच में आना। 4 मिनट का खेल बाकी, जयपुर के पक्ष में है, जयपुर गरे टच में। बेहतरीन ब्लॉक किया है, यहाँ देखते हैं रोकने में कामयाब माया ने, अच्छा कार्य किया। और उनके साथ अनु चौधरी, जयपुर की झोली में ये पॉइंट जोड़ दीजिए। वसुंधरा इस समय ऑल आउट का मौका, अंतिम बाली का बहुत आसान मौका है, ऑल आउट का खतरा यहाँ पे लीजिए। अब दूसरे यहाँ पे पहली बार ऑल आउट किया है गाजियाबाद को जयपुर ने। बहुत ही शानदार प्रदर्शन और बेहद मजबूत स्थिति में इस समय जयपुर के पक्ष में स्कोर गाजियाबाद 12 जबकि जयपुर जी का 30 में स्कोर 12 यानी 19 रन की बढ़त बचा हुआ है। मात्र औपचारिकता बची है मैच पूरे से जयपुर के पक्ष में चौगान स्टेडियम जयपुर का, जबकि गाजियाबाद यहां पे बेहद बैकफुट पे। और यहां पे लीजिए जयपुर को ये पॉइंट और मिलेगा, अनुभव का फायदा उठाता हुआ चौगान स्टेडियम जयपुर। 1 पॉइंट जयपुर, बेहद दबाव में है इस वक्त गाजियाबाद। अब तो हर रेड सुपर रेड हो तभी मैच में वापस आ सकता है, बहरहाल हो सकता है। बाकी रितु यहां पे कैच किया है बहुत ही शानदार, कंगाली में आता गिला, 1 पॉइंट मिला, एक और बेहतरीन कैच लगा। और अब जीत तय है यहां जयपुर की, चौगान स्टेडियम जयपुर 12 के मुकाबले 35-23 अंकों की बढ़त, बड़ी लीड, समय बहुत कम, मैच बिल्कुल समाप्ति मोड पे। और अगला जो मैच होगा हनुमानगढ़ वर्सेज एआरसी, खामोशी वापस, क्योंकि गलतियां करने की जरूरत नहीं अंतिम 2 मिनट, और जरूरत भी नहीं जोखिम उठाने के। और वाह रे वाह, एक बार तो छुड़ाने में कामयाब, लेकिन अच्छा बैकअप है साथी खिलाड़ी का, समर है ब्लॉक किया और काफी प्रसन्न नजर आता हुआ इस वक्त चौगान स्टेडियम जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से पूरे विश्व भर में सोमार। 4 का डिफेंस और यहां पहुंच गई लक्ष्य तक, 3 पॉइंट सुपर राइड यहां पे इस युवा स्टार की। अंतिम बाली का और ऑल आउट का खतरा यहां पे एक बार फिर से मंडराने लगा है गाजियाबाद के ऊपर। लीजिए इसी के साथ खेल खत्म यहाँ पे, और जयपुर ने यहाँ पे जीत दर्ज की है तो सोहन जी गोदारा यहाँ पे जरूर खुश होंगे। जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया जयपुर ने, खेल भावना का परिचय राजस्थान की संस्कृति का दोनों टीमें जयपुर टीम कैप्टन होते हुए, लेकिन जयपुर ने जो प्रदर्शन किया वो बहुत ही शानदार, और खासकर वसुंधरा ने जो स्कोर दिखाया इस मैच में लाजवाब। एक बार टेप कर दे, शुक्रिया।